दारू पीना बहुत गलत बात है। तभी दिन भर उसी में डूबा रहता है। गलत बात धर्म भाई, गलत बात। मैं दारू न पीता। और ये सारी बोतल तो हमने खड़काई है। ओ दारा भाई, तू तो वही करेगा और वही बोलेगा जो धर्म भाई कहेंगे। और तने के पता तू दारू पीवे? दारू पीना गलत बात है और बियर पीना एक नंबर की चीज है। वो कैसे? अरे इस तीसरी फेलने के बेरा ले भाई, जाग गया हमारा दीना ना चौहान। अच्छा एक बात बताओ, बियर पीने के लिए कोई डिग्री चाहिए होती है? और तू तू के लोटा लोटा चील के पर गिन रहा है, है? तेरे पर किम गणे नहीं फड़फड़ा रहे हैं? ताले का गुट्ठा पाड़ के भीतर बांट दूंगा, समझ गया? अरे बिब्बा भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो बियर पीने के फायदे बता रहा हूँ। इधर आके बता। आज चोड़ बिब्बा। अच्छा भाई नू बताओ, अपना बापू कैसे मरा? वह पांडू की किडनी फेल हो गई शराब पीते पीते। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि बियर पीता तो ऐसा कुछ ना होता। ओ ये कैसे? बियर ना सेहत के लिए अच्छी हो। बियर से पेट के कीड़े मकोड़े पथरी सब साफ हो, और पेट साफ तो मन साफ, और मन साफ ते सब साफ है। यस, वन बियर अ डे कीप डॉक्टर अवे। तारा भाई इंग्लिश इंग्लिश बोलने की सोचो भी मत। तन्ने बड़ी समझ में आई बेटी चोर, यहीं की यहीं पार दूंगा। अरे तारा भाई मजाक कर रहा हूँ, छोड़ दे। तारा डट कर बैठ और पत्ते खेल। अरे यो मारी ट्रेल और तुम दोनों की रेल। धर्म भाई, जब हारने का इतना ही शौक है तो खेलते क्यों हो? अरे बारात आ गई, नाचने की तैयारी कर लो। कितना टाइम और लगेगा पानी पूछ? बैठे बैठे इच्छा दुखने लग गया। मैं तो पहले ही कहा था हाईवे से चलते हैं, सुनवाई नहीं होती मेरी। वो छूट गया राहुल की बात मान के यहाँ से आ गए, और ये दो छोरी और बिठा दी पीछे। दो दूसरी कौन? दो ही एक तो गुलाब, इसकी हरकतें यार बात सारे छोरे वाली है। मैंने क्या किया है? अरे बंद करो अपना एरंडी रोना, छोरी की शादी तय करने जा रहे हैं, तुम अपनी रामायण गान लग जाओ। एक बार सुनना के जमींदार अजय प्रताप के साथ शादी फिक्स हो जाए, फिर देखिए तुम्हें काम अपना शक्का होगा। मैंने तो सुना है उसकी शादी हो रखी है, अब दो भूमि जी सकल लड़के भी उसके जो नाटक। तो चक्के हो यार, वो नहीं तो कोई और सही, सम्मेलन में और भी ठगी जमींदार आए मांगे। सत्या क्या हो गया भाई? भाई ब्रेक मार सत्या। बाउजी
अकेला कह देवा कितनी देर मरा गए हो के बताऊं यार साला आजकल हर कोई गोली दे जा से सॉरी एक नंबर का चूतिया है बीबा रत्ती भर अक्कल ना है अरे गाड़ी के टायर में गोली मारनी थी बस उड़ा दिया लौंडे का सर इलेक्शन सर पर है और अब ये खून खराबा अब तू बता गांव का अगला सरपंच बीच रोड में लोगों को गोली मारे ये अच्छा लगे के टेम पे पैसे दे दिए होते तो ये ना करना पड़ता मार दे भाई अरे वाह छोरी डर क्यों रही है बावली आजा नहीं 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 अरे वाह भी हो उड़ा दो साली ने आज जड़ी खत्म कर दो बहन चोद ना भाई जो भी कहो लड़की से तो एक नंबर माल आज तक सिर्फ पैसा देकर हाथ लगाया है आज बिना पैसे दिए हाथ लगा लेते हैं अरे दारा गरम मत हुए छोरी सबसे पहले मैंने देखी ही मेरी है ओ बीबे भाई तू क्या अपने आप ने पाकिस्तान समझा है और छोरी ने कश्मीर जो बोलो पाकिस्तान मेरा है और चढ़ जाओ जब मन करे फिर हाँ और ना ही हम गांधी हैं जो तुझे सबसे पहले चढ़ देंगे छोरी के ऊपर ओ नौटंकी बंद करो लौंडिया देखी नहीं कि नाला ढीला हो गया लगे सारे नाचने अरे धर्म भाई आप तो नल्ले हो ना कुछ करते हो ना करने देते हो बकवास बंद कर और खत्म कर चौधरी के दूसरे लौंडे को और चलो यहाँ से और इस लड़की को घर ले चलो बाद में सोचेंगे क्या करना है नहीं। चल बेटा हमारी तो हैप्पी एंडिंग हुई नहीं तेरा ही दी एंड कर दे ओ रुक जा देव भाई रुक जा लगाता है जारगी चल चूतिया पिछले तो तूने दिए नहीं अरे भाई इस बार डबल पक्का धरती माँ की कसम साढ़े दिन भर इसी पे मुँह है हैं? और अब इसी की कसम खा रहा है साड़े ये भी तेरी सगी ना है अरे भाई इस बार पक्का मैं बोल रहा हूँ ना क्या बोलते हो बीबा भाई कमाए कुछ पैसा तो लगा फिर चश्मा अरे बीबा भाई क्या कर रहे हो अरे डर मत लगा अरे हजार का दाव लगाया बीबा भाई अरे तो धर्म भाई थोड़ी हूँ मैं जो हमेशा जुए मार जाऊँ लगा तो बिंदास चलो फिर भगा देवा अरे छोरे आज तेरा हैप्पी बर्थडे है और मेरा भी बना दे उस तरफ देख और भागना शुरू कर दे पीछे मुड़ के देखिए मत और जो तू वो जोड़ पार कर गया तो तेरा नया हैप्पी बर्थडे समझा बावड़ी भूच चल भाग भाग बैठ जो
माँ माँ देख के लाऊं तेरे तई रे माँ ना घरा बगल वाले काम में गई है और रोटी ओए रोटी का छोड़ अरे छोरी का सोच करना की है बताता हूँ अभी ये बरात को कोई तमाशा नहीं चाहता मैं ऐसे इस बीबा की वजह से पूरा रायता फैल गया तो जब राजनीति समझ नहीं आती तो सुन लिया करो जो मैं बोलूं हर कोई आजकल लीडर समझता है अपने को इसका हिसाब हम कल करेंगे तब तक मां भी आ जाएगी दारा इसको अंदर वाले कमरे में डाल दे और जैसा मैंने कहा कोई तमाशा नहीं तो घड़ी खूबसूरत तो है मन कर रहा है कच्चा चबा जाऊं ये धर्म भाई बिना जब तो तू देखी है ना दिमाग में तू ही तू घूम रही है कसम तो है दिल आ गया तेरे पे अरे डर मत बावली अरे डर मत प्यार करूं तेरे ते की बार में सोच लिया है चाहे कुछ भी हो जाओ तू भी बाकी रहेगी अरे इधर है इधर बावड़ी डर मत बावड़ी डर क्यों रहे तू तुम घबराने की जरूरत कौन है आइए इसकी ऐसी हालत किसने कर दी
अरे छोरी चोदो जवाब दो। माँ वो कल वो चौधरी को ठीक करने गए थे, होगी होगी। ससुरी का मुंह तो खोल दो। पानी इम्मा तू ये बता क्या करें इसका। कली मार देना था साड़ी को। माँ मैंने तो पहले ही कहा था ठोक दो साड़ी को। पीछे हो जा, छोरी का हाथ नहीं लगाओगा कोई। माँ मने छोरी पसंद है। रे वाह, ऐसे कैसे, पसंद तो हमने भी है। देशी शराब जब बिल्कुल पीछे हो जा, कह रही जब समझ में नहीं आई बात। बड़ी खा छाकी तन्ने, तेरी खान नमक मांग रही है, यहीं के यहीं गाड़ दूंगा तन्ने और थारी लुगाई ने। भाई ठंड रखो, चलो। कोठी में आज तक भाई ने भाई पे हाथ नहीं उठाया, आज तक इस घर में जो कुछ भी आया है वो सब में बटा है, अब भी यही होगा। या छोरी यहीं रहेगी, बड़ा भाई सरपंची के लिए खड़ा हो रहा है, उस पे ध्यान दो ना के छोरी पे। भाई हो अगे से प्यार मोहब्बत से फांट लेना, तब तक कोई शोर शराबा नहीं चाहिए मैंने। हेलो के मेरे ते मिलने, ठीक है आऊं। चलो रे अब सब। दिखाई तो बनती है बहू। सांसे खफा खफा है, सर्द है सीने में दफना है, जर्द है। देख रहा है ये बिल्कुल उस छोरी की तरह है जो जब तक 15 साल की होवे तब तक सब उसे बड़े प्यार की नजरों से देखें, घना लाड करें, पर जहां लाग गया 16वां साल वही नजरें बढ़ जाएं गिद्ध की नजरें, सब उसे नोचना चाहे पाना चाहे और कुछ भी करांगे उसे पाने के लिए। अपना गांव भी उसी 16 साल की छोरी की तरह है, सबकी नजरें हैं उस पर, सारे ठेकेदार बिल्डर सरकारी अफसर सब घात लगाए बैठे हैं, कब छोरी घर तक बाहर निकले। यार अपने गांव की जमीन सोनना है सोनना,
करोड़ों में बिकेगी और हम बीच में इतना पैसा बढ़ा सके हैं जो किसी ने सोचा भी ना होगा। पर उसके लिए कृष्ण प्रताप सिंह को सरपंच बनना बहुत जरूरी है। देख भी बात, तू है समझदार आदमी, कब तक अपने भाई धर्म की बात सुनता रहेगा? अगर गद्दी पे बैठना है तो राजा को तो हटाना पड़ेगा ना। और दारा? मान गया तो ठीक, और जो ना मान गया तो जय कन्हैया लाल की। ज्यादा सोचे मती, जो होवे अच्छे के लिए होवे और जो होवागा अच्छे के लिए होवागा। ठीक, मन्ने कहीं पढ़या था जो आज तेरा है ना वो कल किसी और का था और कल किसी और का होवेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ गीता बोल। तन्ने ये लग रहा होगा कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तेरे बाप और भाई को मारना गलत था, तेरे को यहां ऐसे रखना वो भी गलत था। बिल्कुल ठीक लग रहा है। चल एक कहानी सुनाता हूं। हमारे बगल वाले घर में एक छोटा लड़का रहता है, बबलू, चौथी पांचवी में पढ़ता होगा। बड़ा सुतरा छोरा है, पढ़ाई भी करे है और घर का काम भी। उसके पास दो छोटे पर घने सुंदर तोते हैं, एक नीला और एक हरा। दोनों खूब बातें करे, खूब मस्ती भरी। एक दिन हरे वाले तोते के मन में आया कि क्यों ना घर से बाहर जाके दुनिया देखी जाए। अब यो बात उसने नीले वाले तोते को बताई, वो ना गया। बोला यहां ऐश की जिंदगी है, ना खाने की टेंशन ना रहने की टेंशन। पर हरे वाले तोते पर तो भूत सवार था, घूमन का भूत, दुनिया देखने का भूत। तो वो निकल पड़ा, घर से बाहर उड़ गया। ठंडी हवा का मजा लेते लेते वो गांव के बहुत बढ़िया तालाब के ऊपर से उड़ रहा था कि तभी उसके सर पर एक पत्थर आके पड़ा और वो जमीन पर पंख फड़फड़ाता हुआ आ गिरा। बेचारा अधमरा तोता, उसने आंखें खोली तब उसे एहसास हुआ कि वो एक लड़के की गुलेल का निशाना बन गया था। और लड़का कौन सा? वही हमारा बबलू। वही बबलू जो अपने ही घर के तोते को बड़ा प्यार करे था।
और बाकी बाहर के तोतों को अपने गुलेल का निशाना बनावे था। इब तू तय कर तन्ने नीला तोता बनना है या हरा। नीला तोता बनेगी तो ऐश करेगी, कोई तकलीफ ना होगी, पर हरा तोता बनी तो बाकी मैं तो हुई इस घर का सबसे बड़ा बेटा, तन्ने कोई तकलीफ ना होगी, हर जगह मैं ही हूं सबसे पहला। पर उस रात तुम दूसरे थे। हर जगह मैं ही हूं, तन्ने कोई तकलीफ ना होगी। कोई भी हो उड़ा दो साली ने। ऐ तो घड़ी खूबसूरत तू है, मन कर रहा है कच्चा चबा जाऊं। मामा ने छोरी पसंद है। पसंद तो हमने भी है। देसी शराब जब बिल्कुल या छोरी यहीं रहेगी, प्यार मोहब्बत से बांट लेना। सुनो रे, यो के चाय रे। वाह, बैठ बैठ बैठ। अब माँ ने बोला रसोई मैं ही संभालूंगी, तो सोचा चाय पिला दूं। अब नीचे तो कोई था नहीं, तुम ही हो। बढ़िया करया, वरना इस घर में तो साल ना बीत गए, सुबह चाय बने हुए। अपने तो माँ भी सोतेली है, दिन रात बस अपने उस बेटे दारा को खाना खिलाओ है। अरे दारा, दिमाग तो है ना उसमें। मुकेश। हाँ वो रे रे, तू यहाँ बैठी है, मैंने पूरा घर छंड मारा। रे भाई चाय पी। चाय यो कितना ही। दिल खुश कर दिया तन्ने। नक्का, हाँ तुझे याद है पिछली बार घर में चाय कब बनी थी? ना। अरे जब वो मामा आया था। कौन मामा? उलंगड़ा सगुन। हाँ भाई, जुए में हारे हुए पैसे लेने आया था। बेचारा ढंग से चाय भी नहीं पी पाया। अच्छा छोड़, ये कपड़े रख ले और पहन ले। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए नए कपड़े। और तू? हाँ तो अपने काम से काम रखा कर। सनकी साड़ा। तो तुम्हें मुकेश के रोमांटिक गाने पसंद है? हाँ मैं भी रोमांटिक था कदे किस लड़की के पीछे। फिर कहाँ गई हो? मना कर दिया साड़े ने, और मना हम सुन ना सके। अपने गोरे हुस्न का घना ग्राउंड था, उसने मुंह पे पानी फेंक दिया, जड़ा दिया साले को। तो मने घने पसंद है, बाकी अगर शामिल कह ना पाया, पर जब माँ ने बोला तो सब में बटेगी, मैं घना खुश होया। वरना ये तीनों सोतेले हराम जादे हर बात पर अपना स्वरूप रखते हैं। मुझे भी पांचों भाई में सबसे सुंदर तुम ही लगते हो।
सोडा। यह है जैक डेनियल्स। जैक डेनियल्स इंग्लैंड का बहुत बड़ा राजा हुआ करे था। अच्छा। इसके साथ ना पानी, ना सोडा, ना बर्फ, कुछ भी ना चाहिए। कोई जरूरत ना है, अकेला ही काफी है। गिटक जा, गिटक जा, गिटक जा। तेरे जो भाई है ना वो भी पानी, बर्फ और सोडे की तरह है। कोई जरूरत ना है उनकी। और तू है जैक, समझ आई बात तेरे? तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे? रह जावेगा सबसे ताकतवर इंसान। क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे? रह जावेगा सबसे ताकतवर इंसान। मुझे अच्छा लगा जब उस दिन तुम अपने भाइयों के खिलाफ हो गए थे। बचपन से जवानी तक हर कोई मुझे दबाता ही रहा है। भाई, बाप, ये सब नाम के रिश्ते हैं। किसी ने अपनापन कभी दिखाया ही नहीं। उस दिन जब तुमने मुझे बचाया, पहली बार किसी मर्द के होने का एहसास हुआ। इन जानवरों के बीच एक इंसान है। अच्छा लगा। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर मैं अपनी आगे की जिंदगी एक खिलौने की तरह नहीं बिताना चाहती। आज एक भाई ने खेला, कल किसी और ने। हाँ, अगर झूठा खाने की आदत हो गई हो तो अलग बात है, पर रानी को पाने के लिए राजा तो बनना ही पड़ेगा। और राजा की एक ही रानी होती है। तू चिंता मत कर, तू इस राजा की रानी बनेगी। मैंने उस दिन भी तेरे जबरदस्ती नहीं करी थी। मैं नहीं पता किस तरह से ताया कर, पर मैं तने सच में बहुत पसंद करूं। आज तक जो भी हुआ जबरदस्ती से हुआ, अब सब मेरी मर्जी से होगा। खाना तैयार है, पका दूं? सुनो जी, खाना तैयार है, पका दूं? ये अपनी खूबसूरती का जादू कहीं और दिखाना। ना मैं बीबा हूं और ना ही नाका, जो तेरी हरकत आते फिसल जाऊं। क्यों, तुम्हें मैं खूबसूरत नहीं लगती? मेरा जिस्म पसंद नहीं है तुम्हें? ए! उस रात तो तुम पीछे नहीं हटे थे। मेरे हाथ बंधे हुए थे, मुंह बंधा हुआ था, मैं आधी बेहोश थी, फिर भी मैं तुम्हें महसूस कर पा रही थी। ऐसा एहसास
सिर्फ तुम ही हो सकते थे और कोई नहीं। पर उस दिन तो तू बीबा के साथ लिपट रही थी। हाँ तो क्या करती, डरी हुई थी मैं। और कोई मर्द भी तो नहीं है मुझे यहाँ पे बचाने के लिए। जवान खींच के चौपाल पर लटका दूंगा जो दोबारा ये बात कही तो। दारा ते बड़ा मर्द ना इस इलाके में और ना कभी होगा। बीबा को तो मैं बीच में से चीर के धर दूं। और नाका, नाका तो सौतेड़ा है, मार भी दूं तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा। मैं पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती हूं, मुझे बस नाका और बीबा से बचा लो। जो अब किसी ने आंख उठा के भी देखा ना तो मां कसम काम के बाहर आंख पड़ी पाओगी उसकी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। धर्म भाई बावड़ा हो गया है के? मेरे पैसे खत्म कर दिए तन्ने। अबे डट जा, ये बाजी मेरी होवेगी। बस रहन दे। हेलो। अरे ओ भाई, धर्म पागल हो गया है, इसने अपने भी और मेरे पैसे सारे खत्म कर दिए। अब लग रहा मुझे ही दाव पे लगाओगे। हेलो। हाँ हाँ बोल रहे। कित से तू? तेरे भाभी ने बुलाया है। भाभी के बाद मैं भी आऊ, दोनों करेंगे पिछली बार की तरह। ठीक से अभी आया। ठीक से। दारा नहीं, दारा 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 नहीं, दारा दारा साले नक्का। अरे भाई साले हाथ तक आता है, हाथ तक आता है। तूने साले बड़ी गर्मी तुम बड़ी गर्मी बड़ी गर्मी बड़ी नके खड़ा हो, नके मेरे भाई, नके यो के किया तन्ने दारा? जो किया ठीक किया, आज सारे दूसरे सपोले को भी खत्म कर देता हूँ। बड़ा हो गया के, नीचे कर बंदूक, नीचे कर। सारे सौतेड़े बीच तू भी छोरी के घांगड़े में घुसने की कोशिश कर रहा था ना, तन्ने भी तेरे भाई के पास भेजी थी आज। छोरी है छोरी, इस साड़ी ने बुलाया था आज रखे को,
मैं मार दूंगा इसे। अरे देवा रुक, इस छोरी नहीं इस बैलबुद्धि ने मारा है। साड़े तू क्या बोल रहा है बेटी चोद? जब देखो छोरी के कमरे के आगे पीछे चक्कर लगा हुए, और तुझे क्या लगा तू पहला था उस रात? ना सब गए थे बारी बारी। अरे मैं तो पहले दिन गाड़ देता तन्ने, धर्म भाई ने रोक लिया। बंदूक नीचे कर देवा। ना करूं भाई। बंदूक नीचे कर देवा। ना करूं। मन ने कहा बंदूक नीचे कर देवा। ना करूं। बंदूक नीचे कर देवा। ना करूं भाई। अगर दारे को कुछ हो गया तो मैं तन्ने नहीं छोड़ूंगा। जो होगा देखी जाओगी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ ना? उस दिन मेरे साथ भी गलत हुआ था, पर तूने मेरा साथ नहीं दिया। बांटने का बहुत शौक है ना तुझे? किसमें बांटेगी? पांचों का बहुत घमंड था ना तुझे? ये जानवर नहीं थे, तूने इन्हें जानवर बनाया। इस शरीर की भूख थी ना इन्हें, इसी शरीर ने इन्हें मारा है। ₹100 पांचों की तेरहवीं में काम आएंगे।
Reza, 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 reza